ओके देखिए, पहला पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। अब मैं आपको कराने जा रहा हूं क्लास फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज या इंटरमीडिएशन एंड फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज। दो चीजें आपको समझाऊंगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये अक्सर आपसे पूछा जाता है कि फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन होता क्या है या फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन होते क्या हैं और फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज होती क्या हैं। ये बहुत ज़्यादा जाना जरूरी आपका है। तो फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन आप ऐसा कर सकते हैं कि वो है इंस्टीट्यूशन जो टू पार्टी को, विच इज टू पार्टी, एक पार्टी जो प्रोड्यूस करती है और एक पार्टी जो कंज्यूमर है, तो जो कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के बीच में एक जो इंटरमीडिएट होता है, जो मिलाता है, आप सिंपल वर्डों में बोलेंगे ब्रोकर, दलाल, क्योंकि अपना वो प्रॉफिट लेता है। तो इंटरमीडिएट से क्या हो गया, जो टू पार्टीज को इंटीमेट करता है। मतलब वी कैन से कि फाइनेंशियल इंटरमीडिएशंस बिटवीन टू आर मोर पार्टीज, दो या दो तीन से ज्यादा पार्टीज को क्या करता है, इंटरमीडिएट करता है। और वो इंटरमीडिएट करने वाली जो इंस्टीट्यूशन है उसे बोलते हैं फाइनेंशियल इंटरमीडिएशंस। फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन का मतलब होता है कि वो इंटरमीडिएशन जो इंस्टीट्यूट फाइनेंशियली इंटरमीडिएट करे फॉर फाइनेंशियल कारोबार के लिए, वो इंटरमीडिएट यूज हो जाएगा। और जो उसके वर्कर हो जाएंगे, कुछ हो जाएंगे, उसे फाइनेंशियल इंटरमीडिएट कह सकते हैं आप। तो देखो, एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ आपको क्लास, बहुत सिंपल एग्जांपल बताता हूँ ताकि आपका पॉइंट्स क्लियर हो जाए। LIC अपना प्रोडक्ट बेच रही है, ध्यान समझना। उसने प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया कि अगर आप 2 ईयर की पॉलिसी लेंगे 4% पे तो आपको इतना इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब 4% इंटरेस्ट रेट है, आपका टर्म प्रीमियम इतना है। उसने सब कुछ प्रोड्यूस कर दिया कि इन फ्यूचर में अगर 30 ईयर की लेते हैं तो आपको इस इंटरेस्ट पे इतना आपको यील्डिंग आएगा। लेकिन इस पॉलिसी को बेचने वाला कौन है, इस पॉलिसी को आप तक जाके समझाने वाला कौन है कि भैया आप ये पॉलिसी ले लो, ये बैंक ने नई या इंश्योरेंस कंपनी ने नई पॉलिसी लॉन्च किया है, LIC ने नई पॉलिसी लॉन्च किया है, आप इस पॉलिसी को ले लीजिए। आप कहीं बैंक में जाते हैं, बैठे रहते हैं, अकाउंट चल रहा है, क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, आपको हम ये ऑफर दे रहे हैं, ये ऑफर दे रहे हैं, तो वो आपको क्रेडिट कार्ड बेच दिया, समझना। उसने आपको क्रेडिट कार्ड बेच दिया और अब क्या कर रहे हैं, आप सारा कारोबार क्रेडिट कार्ड से करते हैं, तो पेमेंट कौन दे रहा है, पेमेंट वो क्रेडिट कार्ड कंपनी दे रही है। और पेमेंट कहां से कट रहा है, आप कहां से पे करेंगे, आप अपनी बैंक से उस क्रेडिट कार्ड कंपनी को पे करेंगे। और क्रेडिट कार्ड कंपनी जो है वो आपका गुड्स को परचेज करके आपको दे रही है, मतलब आपके पास पैसा नहीं है लेकिन फिर भी आप अपना कारोबार कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इंटरमीडिएटरीज आपके साथ हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, पैसा बाद में देना, अभी आपका काम चल जाएगा। तो मेरा कहने का सेंस यहां पर यह है कि इंटरमीडिएटरी जो होता है, जो पार्ट दोनों पार्टी को मिला करके और उसके मतलब बार्गेनिंग करना होता है या सेल करना होता है, या दो पार्टी का मिलाने की बात कर लीजिए आप, और सर्विस प्रोवाइडर होते हैं ये इंटरमीडिएट क्या होते हैं, दे आर ब्रोकर, दे आर सर्विस प्रोवाइडर। मतलब सपोज दैट मैं एक पर्सन हूं, मेरे पास
बैंक में अकाउंट खोलने के लिए सारी लाइबिलिटीज़ है, सारे डॉक्यूमेंट्स प्रूफ हैं, तो मैं बैंक में अकाउंट खोल लूँगा, ठीक है। और क्यों, और मैं बैंक से 1-2 लाख रुपए भी विड्रॉल कर सकता हूँ, और उस 1-2 लाख रुपए ले करके, या मैं बैंक से 1-2 लाख रुपए ले करके और आगे मैं अपने बिहाफ पर लोगों को लोन दूँ जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है। मतलब एज ए एनजीओ मैं एक एनजीओ बना लूं और मैं बैंक से पैसा उठाऊं या बड़ी बड़ी कंपनियों से पैसा उठाऊं और मैं आगे लोगों को पैसा दूं और आपसे 10% आपसे 2% 5% मैं पैसा उठाऊं और आगे मैं 20% 25% 10% पे आगे लोगों को लोन दूं, तो एज मैं क्या हो गया, मैं एज इंटरमीडिएटर हो गया। और अगर मेरा इंस्टीट्यूशन चल गया तो मेरे इंस्टीट्यूशन को क्या बोला जाएगा, इंटरमीडिएसी। मैं अगर इस इंस्टीट्यूशन को अप्रूव करा दूंगा तो मैं एज ए कंपनी बन जाऊंगा। तो मतलब कि बीच के ऐसे ब्रोकर्स, बीच के ऐसे पर्सन जो दोनों पार्टी को सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, प्लस अपना भी बेनिफिट देखते हैं, इसी में आता है कि असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन। भाई अगर आप डायरेक्ट बैंक से लेते तो आपको 5% मिल जाता, 4% मिल जाता, आप बैंक में नहीं जा रहे हैं लेने कोई भी पॉलिसी या कोई भी लोन्स, आप किसके पास आ रहे हैं, मेरे पास आ रहे हैं। क्यों, क्योंकि मैं थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हूँ, मुझे डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, तो आप मुझसे ज़्यादा परसेंट पर उधार ले रहे हैं। मैं वही लोन्स आप बैंक से ले सकते थे, लेकिन वही लोन आप मुझसे ले रहे हैं, और लेकिन वो लोन मैं कहाँ से ले रहा हूँ, वो लोन मैं बैंक से ले रहा हूँ। तो जो लोन्स मैं बैंक से उठा रहा हूँ उसको आगे तक पहुँचा रहा हूँ, बैंक भी लोन देने को बैठा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं 20 का इंटरमीडिएटर हो गया। भाई आप समझ में आ गया होगा, मैंने बहुत सारे एग्जांपल दे दिए, आई होप इस क्लियर। प्लीज ऐसे करो, मैसेज करो कि समझ में आ गया है, फिर हम आगे चलते हैं। क्लास आ गया समझ में, क्लियर, इतना समय आ गया बेटा। ओके, तो देखिए अब देखो मैंने और भी कुछ करना है आपको। यहां पर आपको क्या करना है कि जो फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज हैं उन फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज को क्या कर सकते हैं, उसको डिवाइड कर सकते हैं। तो ये है टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज, कितने टाइप के होते हैं। जैसे मैंने आपको पढ़ाया था कि नियर मनी में कौन कौन से इंस्टीट्यूशन है या कौन कौन से हैं, तो इसी तरह यहाँ पर हमने क्या कर रखा है, इंटरमीडिएटरीज को भी अलग अलग कैटेगराइज कर रखा है। तो देखिए कमर्शियल बैंक, ठीक है, कमर्शियल बैंक क्या होते हैं, इंटरमीडिएटरीज होते हैं। कमर्शियल बैंक क्या करते हैं, ये भी आरबीआई से पैसा लेते हैं। क्यों, क्योंकि ये मॉनेटरी पॉलिसी थ्रू आरबीआई से पैसा लिया और आरबीआई से पैसा लेने के बाद उनको आरबीआई ज़्यादा इंटरेस्ट पर मिलता है बैंक रेट से, तो ये लोग हमें आगे लोन प्रोवाइड करते हैं और फिर वो लोन्स और आगे प्रोवाइड होते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो भी बैंक हैं या इंटरमीडिएटरीज हो गए, क्योंकि ये डायरेक्ट बैंक से किससे, आरबीआई से लिंक है, तो ये बीच के हो गए। ऐसा कर सकते हैं कि ये बीच के इंस्टीट्यूशन हो गए। तो जितने भी कमर्शियल बैंक हैं, चाहे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, चाहे आपका या HDFC बैंक हो, या सिटी बैंक हो,
HSBC बैंक हो, जितने भी बैंक हैं, केनरा बैंक हो, पंजाब नेशनल बैंक हो, दे आर इंटरमीडिएटरीज। अब बोलेंगे सर इंटरमीडिएटरीज कैसे हैं, तो इंटरमीडिएटरीज ऐसे हैं कि ये बैंक तो खुला हुआ है लेकिन उस बैंक में PPF अकाउंट भी खोल रहे हैं, गवर्नमेंट का सारा काम कर रहे हैं, वो सिक्योरिटीज बेच रहे हैं, वो FD बेच रहे हैं। बैंक एक दुकान है यार, बैंक इज ओनली शॉप जहां पर आप जाके चीजें खरीदते हैं, बैंक इज बिजनेस आल्सो। ऐसा नहीं कि बैंक ही सब कुछ है, बैंक दे इज ए बिजनेस। सारी बैंकें, बहुत सारी बैंकें अपनी दुकान खोल रखे हैं, मतलब अलग अलग ब्रांचें खोल रखे हैं। क्यों? क्योंकि बैंक प्रॉफिट कमाता है यार। और प्रॉफिट कैसे कमाता है, आपको बता चुका था कि बैंक भी प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूशन है। ऐसा तो है नहीं कि बैंक सिर्फ जो सोशल वेलफेयर कर रहा है, आपकी सेविंग लेता है, आपके पैसे को दूसरों को देता है और फिर वो भी बैंक से ऊपर से पैसा लेता है। तो सारा कारोबार जो है बैंक का है, यह एक इंटरमीडिएटरीज का काम है, इंटरमीडिएट है। तो कहने का मतलब है कि पहला इंस्टीट्यूशन कमर्शियल बैंक हो गया, इसमें सारे कमर्शियल बैंक को हम इंक्लूड कर लिए। सेकंड पॉइंट इज डेवलपमेंट बैंक। सो IDBI, ICICI, NABARD एंड SIDBI, आपने सुना होगा IDBI इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसका मतलब क्या होता है कि IDBI क्या करते, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन को लोन प्रोवाइड करती है, या ICICI सुना होगा अपना, मतलब ये लोग लॉन्ग टर्म के लिए लोन्स प्रोवाइड करते हैं। लेकिन इनको लोन पैसा कहाँ से मिलता है, ऊपर से पैसा लेते हैं। तो यानी कि जितने भी डेवलपमेंट बैंक हैं, NABARD है, RBI सबसे ऊपर है, फिर NABARD, RBI से NABARD को पैसा आता है, NABARD से पैसा कमर्शियल बैंक को जाता है, या NABARD से पैसा छोटे छोटे रूरल एरिया में कोऑपरेटिव बैंक से पैसा जाते हैं, रीजनल बैंक से पैसा जाता है, फिर वहाँ से गांव में NGOs के पास पैसा जाते हैं, NGO के पास से फिर गांव में एक आम आदमी तक पैसा जाता है। तो इट इज़ अ सिस्टम, फाइनेंशियल सिस्टम। यस, IDBI आपने सुना होगा, स्मॉल इंडियन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। तो स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया SIDBI का मतलब होता है। तो ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए लोन प्रोवाइड करता है। तो यानी कि ये डेवलपमेंट बैंक क्या है, दे आर इंटर ऑल्सो इंटरमीडिएटरीज। क्लियर माई पॉइंट? अगला क्लास, सेकंड, थर्ड इज फाइनेंशियल एडवाइजर। आपको मैंने बताया कि जो फाइनेंशियल एडवाइजर है, जो ब्रोकर है, वो क्या है, इंटरमीडिएटरीज है। फाइनेंशियल एडवाइजर का मतलब होता है कि जो अपनी पॉलिसीज बेचता है, और बेचने के लिए आपके जो LIC एजेंट होते हैं, दे आर इंटरमीडिएटरीज। और LIC इंस्टीट्यूट क्या हो गया, LIC इंटरमीडिएशन हो गया। इसके लिए ओके। थर्ड, इंश्योरेंस कंपनीज, मैंने लिख भी रखा है, देयर इंश्योरेंस कंपनीज, LIC, AIG, PRLS, आपने सुना होगा, LIC का नाम सुना होगा, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, AIG, पता नहीं कि फुल फॉर्म क्या होता है भाई, PRLS, आसमा फाइनेंस, ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं जो पॉलिसी आज की डेट में, भारतीय हेक्सा, बहुत सारी मार्केट, बहुत सारा कंपनियां आ चुकी हैं जो कि LIC देती हैं, टैक्स सेविंग पॉलिसीज बेचती हैं। तो वो लोग क्या हैं यार, वो दे आर इंटरमीडिएटरीज हैं। अगला है म्यूचुअल फंड। आपने सुना म्यूचुअल फंड का नाम, कोई म्यूचुअल फंड सुना होगा जो बहुत फेमस म्यूचुअल फंड है। यार मुझे पहले ये बताओ कि म्यूचुअल फंड होता क्या है, मैं थोड़ा सा जान लूं। हाँ ओके, गुड आफ्टरनून। म्यूचुअल फंड होता क्या है क्लास, कि म्यूचुअल फंड वो होता है जो एक टाइम मैच्योरिटी के बाद आपको पैसा मिलता है।
अब देखो मैं आपको ऐसे बता दूं, ध्यान समझना कि आप एक LIC की पॉलिसी परचेस करते हैं और LIC की पॉलिसी परचेस करने के बाद आप हर मंथ आप 100 रुपीज मान करो आपका प्रीमियम है, हर मंथ आपने 100 रुपीज जमा करते हैं। वो 100 रुपीज आप जमा करते हैं, ऐसे करोड़ों लोगों को उसने पॉलिसी दे रखा है। तो अगर सबको वो पॉलिसी 1 करोड़ लोगों को दे रखा है और 100 रुपया प्रीमियम है तो कितने करोड़ रुपए उसके पास आ गया बैंक के पास हर महीने, LIC कंपनी के पास कितना करोड़ रुपया आ गया पर मंथ, बहुत पैसा आ गया यार। वो पैसा करेगा क्या यार, उसी पैसे को उठा करके उसने दूसरी कंपनी को, बाहर की किसी कंपनी को पैसा दे दिया कि यार इतने करोड़ रुपए ले जाओ और 20 साल बाद मुझे इतना पैसा देना। यानी कि आपके सेविंग से, आपके प्रीमियम से उस बैंक ने, उस इंस्टीट्यूशन ने, उस LIC कंपनी ने करोड़ों रुपए जो है इन्वेस्टमेंट कहीं और कर दिया और आपको 20 साल बाद पैसे मिलेगा और 20 ईयर के बाद उस पैसे की वैल्यू जो आज आप 100 रुपये जमा कर रहे हैं, 20 साल बाद 100 रुपये की वैल्यू 10 रुपये के बराबर रहेगी। मतलब 100 रुपये की वैल्यू, तो आज जो 100 रुपये में आप परचेज कर लेंगे वो इन फ्यूचर में 100 रुपये में आप परचेज नहीं कर पाएंगे। और आपको पैसा मिलेगा म्यूचुअल फंड में मार्केट के अकॉर्डिंग। तो जब आप 20 साल बाद अपने पैसों को लेंगे तो आप तो जोड़ेंगे कि भैया मुझे 2 लाख मिल जाएगा, 2 लाख रुपए, वो भी कब, 20 साल बाद। लेकिन उस पैसे का जो आपने पर मंथ जमा किया, उस पैसे से उस कंपनी ने कितने करोड़ों अरबों खरबों रुपए कमा लिया और उसी पैसे में से आपको दे भी दिया मैच्योरिटी पीरियड होने पर। इसका मतलब क्या हुआ, म्यूचुअल फंड हुआ क्या, जो उस बैंक ने, जो उस पॉलिसी मेकर ने, LIC एजेंट ने, LIC ने पैसे इकट्ठा करके दूसरी बैंक को देकर, दूसरे को लोन देकर के जो अर्निंग किया वो म्यूचुअल फंड हुआ और उसी में से आपको दे दिया और खुद भी प्रॉफिट ले लिया। तो कहने का मतलब यहाँ पर क्लास ये था मेरा कि इंटरमीडिएटरीज प्रॉफिट कैसे अर्न करता है। तो ये जो म्यूचुअल फंड कंपनियाँ हैं ना सर, इट इज दैट इज द डिफ्लेशन प्रिवेज, यस ऑफ कोर्स। अब हम वहाँ दूर तक नहीं जा रहे हैं लेकिन मुझे सिर्फ ये बताना आपको कि जो म्यूचुअल फंड है, जैसे आपने मुथूर फाइनेंस सुना होगा, आपने म्यूचुअल फंड कंपनी है, बहुत सारी म्यूचुअल फंड कंपनियाँ हैं, SBI म्यूचुअल फंड है, ठीक है, और मॉर्गन स्टैनली है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड म्यूचुअल फंड है, बहुत सारी कंपनियाँ हैं। ये लोग क्या करते हैं, आपकी पॉलिसीज बेचते हैं, पैसे इकट्ठा करते हैं और फिर कहीं और इन्वेस्टमेंट करते हैं, फिर आपको बाद में देते भी हैं। तो कहने का मतलब कि सारा कारोबार इंटरमीडिएटरीज करता है यार, क्योंकि मनी का सर्कुलेशन हाउसहोल्ड से कॉरपोरेट सेक्टर में, हाउसहोल्ड से गवर्नमेंट सेक्टर में, गवर्नमेंट से हाउसहोल्ड सेक्टर में जितना भी फ्लो हो रहा है मनी का, वो हो रहा है किसके थ्रू, इंटरमीडिएटरीज के थ्रू। तो इंटरमीडिएटरीज ही होते हैं जो कि पूरी इकोनॉमी को फ्लो ऑफ फंड, जिसे हम बोलेंगे लोन्स, चाहे कह लीजिए चाहे सेविंग है, आपकी सेविंग जनरेट हुई बैंक में गई, बैंक से फिर आपका, मतलब कहने मतलब ये मेरा है कि ये इंटरमीडिएटरीज होते हैं जो कि फ्लो ऑफ फंड करते हैं। हम आगे आपको फ्लो ऑफ फंड पढ़ाएंगे कि फ्लो ऑफ फंड कैसे बैलेंसेस होता है, वो आपका नेक्स्ट टॉपिक है। इसके बाद ये समझ में आ गया होगा, इसी तरह से हम बात कर रहे हैं पेंशन फंड्स की। जो भी पेंशन फंड्स हैं, जैसे इसको बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड, इसको बोलते हैं
पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जैसे पीपीएफ अकाउंट खुलाते हैं, ये होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। इसका मतलब क्या होता है क्लास, कि आप हर महीने हर साल कुछ रुपए जमा करते हैं, लेकिन वो रुपए आपको 5 साल बाद मिलेगा। जो प्रोविडेंट फंड है वो आफ्टर 5 ईयर आपको पैसा मिलेगा। तो ये म्यूचुअल फंड जो पेंशन फंड है, ये क्या है, ये इंस्टीट्यूशन होता है, आपके पैसे से लेता है, उसी पैसे से पैसा अर्न करता है, क्योंकि 5 साल बाद देगा पैसा आपको, उस 5 साल के लिए वो पैसा कहीं और लगाते हैं, फिर आपको रिटर्न मिलते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये पेंशन फंड्स भी हैं, ये क्या हैं, इंटरमीडिएटरीज हैं। हम अगला बात करते हैं क्लास, बिल्डिंग सोसाइटीज। बिल्डिंग सोसाइटी, बहुत सारी बिल्डिंग सोसाइटीज हैं, जैसे आपने सुना होगा HDFC है, सुना होगा आपने HD हुडको है, सिडको है, हुडको है, DDA डेवलपमेंट, क्या बोलते हैं उसको, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी है, ये सब क्या हैं, इंटरमीडिएटरीज हैं। कैसे, अब लोग सर आप कैसे कह रहे हैं ये, क्योंकि देखो क्या होता है, ये बिल्डिंग सोसाइटी पैसा कहाँ से लेती हैं, बैंक से लेती हैं। लाखों करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट बैंक से उठा लिया, सोसाइटी दिखा दिया कि यहाँ हम सोसाइटी बना रहे हैं, ठीक है, और आपसे फॉर्म भराएंगे कि आप जिसका निकल जाएगा उसको प्लॉट मिलेगा, बिल्डिंग तैयार नहीं है अभी, प्लॉट आपके नाम से कट गया, और आप क्या कर रहे हैं, हर मंथ आप पैसा उनको दे रहे हैं कि भैया 10 साल तक 20 साल तक हमारा किस्त जाता रहेगा, और जब 10 साल 20 साल तक हम तैयार हो जाएगा, और जब बिल्डिंग तैयार हो जाएगा तो लॉटरी निकलेगी, तो आपको एक फ्लोर मिल जाएगा, ठीक है, यही होता है। इसमें कितने लोगों ने कमाया, बैंक ने कमाया, उस सोसाइटी ने कमाया, उस सोसाइटी क्या करती है, जिस रेट पर पैसा लिया हुआ है उससे ज़्यादा आप लोगों की इंटरेस्ट से कमा लिया। तो ये सोसाइटी जो हाउसिंग सोसाइटी है, ये इंटरमीडिएटरीज हो गई। फिर बैंक ही आपको हाउस लोन दे देगा, बैंक आपकी EMI बना देगा, आप ये फ्लैट आपके नाम है, लेकिन हर मंथ आपको कुछ पैसे हमारे पास जमा करना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया क्लास, इट इज इंटरमीडिएटरीज। सो कहने का मेरा मतलब है, अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, 1, 2, 3। तो ये सारे टाइप्स जो हैं, जिसे हम 4, 5, 6, 7, दीज आर इंटरमीडिएटरीज हैं, और ये इंटरमीडिएटरीज के टाइप्स हैं। उम्मीद करता हूँ पॉइंट क्लियर हुआ होगा, ठीक है, सो प्लीज नोट डाउन एंड थैंक यू। इसके बाद हम आगे करते हैं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए प्लीज़।